सुना है तुम बहुत जोर से चिल्लाकर रोई हो ताकि तुम्हारी आवाज तुम्हारे बेटे तक जा पहुंचे। कम से कम इतना तो याद रखना चाहिए था आपको कि उसने बंदूक तानी थी आपके बेटे पर। तानी नहीं थी, उसने छीनी थी उसने उससे। वाह, अभी तो निकाह भी नहीं हुआ, आपने पहले ही दामाद को सर पे बिठा लिया। क्या चाहती हो, क्या करूं, गोली मार दूं उसे, है ना? आप उसे गोली मारते हैं या सर पे बिठाते हैं, आपका इख्तियार है, आपकी बादशाही है। हम इस शादी से दूर जा रहे हैं क्योंकि हम ताजवर की बेटी को दुल्हन नहीं बना सकते। सोच लो, अगर ये इख्तियार मैंने ताजवर को दे दिया तो पछताओ की बात। अभी तो तुमने ये इख्तियार खुद दिया है उसको, मैंने नहीं। जिस दिन मैंने दे दिया, रोटी पानी के लिए मोहताज हो जाओगी तुम उसकी। हम किस दिल से उस हाथ पर मेहंदी लगाएं जिस हाथ ने हमारे बेटे के मुंह पे थप्पड़ मारा है। उसे दूसरे थप्पड़ से बचाने के लिए। बात समझ में आई? बेबो जी, जी जी बीबी जी, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ओह, ये ऐसे ही लगी रहती हैं। आप बताएं क्या काम है? अच्छा, मेरी बात सुनो, तुमने फरजाद से जाके बात करनी है। हाँ नहीं नहीं बीबी जी, मैंने प्लीज यार, तुमने बात करनी है। नहीं बीबी जी नहीं, मेरी बात सुनो, उसे जाके प्लीज कहो कि वो शादी से इनकार करे, मैं शादी नहीं करना चाहती। आपको नहीं पता वहाँ सुल्तान लाला है, वहाँ मैं कैसे कर सकती हूँ यार, प्लीज। नहीं बीबी जी नहीं, मेरी बात सुनो, तुम करोगी? बीबी जी नहीं, जाओ अभी जाके बात करो, जाओ बीबी जी, जाओ। एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।